साई प्रणाम सिटी वन में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं दिनभर, मैं हूं आलोक सिंह। आइए अब नजर डाल लेते हैं आज की सुर्खियों पर। शारदीय नवरात्र के पहले दिन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने महानगर वासियों को दी 233.20 करोड़ रुपए की सौगात, किया 303 विकास कार्यों का शिलान्यास व लोकार्पण। भारतीय स्टेट बैंक गोरखपुर शाखा के शताब्दी वर्ष समारोह में पहुंचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा, रोजगार को विस्तार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं बैंक। शारदीय नवरात्र की प्रतिपदा पर गोरखनाथ मंदिर के प्रधान पुजारी योगी कमलनाथ के नेतृत्व में निकाली गई परंपरागत कलश यात्रा। शारदीय नवरात्र के पहले दिन गोलघर स्थित काली मंदिर पर उमड़ी भक्तों की भारी भीड़। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने दी जानकारी, कहा हाईकोर्ट के नियम का 100% पालन न करने वालों पर दर्ज होगा मुकदमा। भाजपा के राष्ट्रीय महामंत्री एवं राज्यसभा सांसद डॉ. राधा मोहन दास अग्रवाल ने हेल्थ प्लस डायग्नोस्टिक्स एंड इमेजिंग सेंटर का किया उद्घाटन। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने आगामी त्योहारों के दृष्टिगत पुलिस अधीक्षक यातायात सहित अन्य संबंधित अधिकारियों के साथ की बैठक, दिए आवश्यक दिशा निर्देश। और श्री श्री रामलीला कमेटी बर्डघाट के तत्वावधान में भव्य रूप से निकाली गई प्रभु श्री राम बारात की शोभा यात्रा।